Hey, what's up? This is Kush Koo with another question of quadratic equation. This is 13th question of exercise 8.3, page number 8.19 from Adi Sharma. This says, solve the following quadratic equations by factorization. So, we have factorization say so, solve them. So, we given that 4 root 3 x square plus 5 x minus 2 root 3 is equal to 0. So, 4 root 3 x square minus 2 root 3. सबसे पहले हमें जो कॉर्नर में जो हमारे लीडिंग टर्म है और जो कॉन्स्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3. सो 4 टू 8, 8 3 इज 24. अब 24 को इस तरह स्प्रेड करना है कि प्लस या माइनस करने में हमारे पास 5 आए. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं? 24 वन जा 12 टू जा 3 8 जा. सो ना तो इस पे ना इस पे प्लस या माइनस करने पर 5 नहीं आ सकता. 3 इंटू 8 मिल सकता है. तो उसको लिख सकते हैं 8x माइनस 3x. पॉजिटिव साइन दोनों नंबर्स में जो यहां पर साइन होता है दोनों नंबर्स में से उसको ये वाला साइन मिलता है जो इनमें बड़ा होता है. सो इसके बाद आएगा प्लस यहां पे माइनस. कॉमन क्या है दोनों में? 4x अंदर बचा रूट 3x प्लस 2. यहां पे कॉमन है माइनस रूट 3 क्योंकि 3 जो बना है वो 2 रूट 3 से. कोई भी होल नंबर के अंदर 2 रूट्स होते हैं. So, यहां पर आ गया रूट 3 एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये ब्रैकेट सेम है तो ये बन जाएगा 4x माइनस रूट 3 रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो 4x माइनस रूट 3 0 के इक्वल होगा एंड रूट 3x प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा. सो 4x इज इक्वल टू रूट 3. सो x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 4. सेम इज यहां से रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2. सो x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय रूट 3. ये x का वैल्यू. सो x की वैल्यू है रूट 3 बाय 4 और माइनस 2 बाय रूट 3. सो फैक्टराइजेशन के लिए बस विविध टर्म्स फिटिंग करते हो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है और कॉमन निकालते हो. Now let's try another question, which is question number 43 and the page number is 0.20. This says solve for x. Solve for x. हमें x का वैल्यू निकालना है. तो इसमें हमें गिवन है x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 1 बाय 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 4. सो यहां पर सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम. सो एलसीएम में आएगा x माइनस 2 x माइनस 4. इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा x माइनस 4. So, x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू इसको प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो 10 बाय 3. 3 3 से 9 प्लस 1 10 बाय 3. इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर. x को माइनस 4 से किया तो माइनस 4x. माइनस 1 को x से किया माइनस x. माइनस 1 को माइनस 4 से तो प्लस 4. x को x से किया तो x स्क्वायर. x को माइनस 2 से माइनस 2x. माइनस 3 को x से माइनस 3x. माइनस 3 को माइनस 2 से तो प्लस 6 अपॉन x को x से तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 10 बाय 3. अब यहां से x स्क्वायर हो गया ये 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x माइनस 7x माइनस 10x ये आएगा माइनस 10x. नेक्स्ट प्लस 4 प्लस 6 इज 10 प्लस 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.
is equal to 10 by 3. अब यहां से ऊपर से 2 कॉमन है तो ये बन जाएगा x square minus 5x plus 5 upon x square minus 6x plus 8 is equal to 10 upon 3. अब यहां पर ये आ रहा है 2 1s are 2 5s are. ये जो वैल्यूज आ रही है इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3x square minus 5x plus 5 is equal to 10x square minus 6x plus 8. So, ये वैल्यूज बन जाएंगे हमारी 3x square minus 15x plus 15 is equal to 10x square minus 60x plus 80. अब x वाले सारे टर्म्स एक साइड पे, तो बन गया 10x square minus 60x plus 18. Sorry, this is not 10, this is 5. क्योंकि यहाँ पर हमारा 10 तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ वैल्यू आ गया था 5 का. This is 5. तो यहाँ वैल्यू कैंसिल होकर आई थी 5x square 30x 8 जा 40. सब वैल्यू जो हमारी है ये वैल्यू हो जाएंगी, सारी वैल्यू उधर जाएंगी, तो ये बढ़ेगी 5x square, 3x square उधर जाएगा तो minus 3x square, then minus 30x, 15x वहां जाएगा तो plus 15x, plus 40, 15 उधर जाएगा तो minus 15, equal to 0. So ये आ गए यहां से 2x square, plus minus minus, minus 15x, plus 25 is equal to 0. Now again, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आता है 50x square. स्प्लिटिंग करके चाहिए 15, तो 10 5 से 50 होता है, इससे हमारे पास आ सकता है 15. सो ये आएगा 2x square minus 10x minus 5x plus 25 is equal to 0. अब हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों टर्म्स से और इन दोनों टर्म्स से. सो ये आएगा 2x अंदर x minus 5 minus 5 x minus 5 equal to 0. यहां से हमने 5 कॉमन निकाला तो अंदर बचा x माइनस प्लस माइनस और अंदर रह गया 5. अब ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट आएगा x माइनस 5, एक आएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. यहां से x के वैल्यू आ गया 5, x की वैल्यू आ गई 5 बाय 2. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की. तो दिस इज 43 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3, page number 8.20 of Adi Sharma. If you have any doubt, please do write to us. So space niche given us will likhe and to watch the next video for some more questions. Goodbye.